वो भी नहीं पढ़ी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जब पैदा हुए मक्का में तो उनका बचपन का नाम था फिरोज बख्त। मैंने पहला ऐसा शख्स देखा कि बचपन से बुढ़ापे तक चार नाम रखे उसने। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अपना नाम मुइनुद्दीन रखा। जब राजनीति में आए तो अब्दुल कलाम रखा। लेकिन राजनीति में एक विशेष राजनीति करनी थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। ये उनकी जाती शख्सियत की बात बता रहा हूं, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है, उन्होंने अपने जीते जी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह छापी है। आप सबने वही किताब पढ़ी है, लेकिन उसमें एक चीज कही गई वो नहीं पढ़ी आपने। ये आदमी कितना बेईमान था, अपने जीते जी इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको अपना एजेंडा पूरा करना था, इसलिए सच नहीं बोला। ये मक्कार आदमी 1958 में वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, लेकिन अपनी वसीयत के अंदर ये लिख के गया ये आदमी कि मेरे मरने के 35 साल बाद मैंने 30 पन्नों पे कुछ लिखा है, लेकिन मैं अपनी किताब में नहीं जोड़ सकता। मेरे मरने के बाद इन 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। ऐसा ईमानदार आदमी भारत का शिक्षा मंत्री था, जो अपने रहते हुए सच नहीं बोल पाया, अपने बारे में सच नहीं बोल पाया, उसने भारत की शिक्षा नीति में कौन सी सच्ची बात कही होगी, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है। 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उनके वारिसों ने केस जीत लिया, ओरिएंटल पब्लिकेशन स्वाइन ने वो केस जीता और वो 30 पन्नों के साथ वो किताब दोबारा से छाप दी मार्केट में। हमारे समाज ने फिर भी नहीं पढ़ी। हम तो बहुत महान मानते थे, क्योंकि मौलाना आजाद ने जिना की बुराई की, कहा कि जिना तुम पाकिस्तान बना रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मुझे जिना से कोई शिकायत नहीं है, मुझे असदुद्दीन उवैसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे इस देश के सेकुलर मक्कार मुसलमान से शिकायत है। उसने यहां रह करके जिना से ज्यादा खतरनाक काम किया। 90 के अंदर वो किताब छपी, पूरे मार्केट से किताब गायब हो गई। जिन्होंने उस पर राजनीति की थी उनको पता था ये किताब अगर गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो हमारा पूरा का पूरा जो सेकुलरिज्म का चरित्र है वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन मैंने भी सही जगह जन्म लिया है। उस किताब की एक कॉपी मेरे पास भी है। तुमने किताब भले ही इस मार्केट से गायब कर दी हो, 3 साल में मैंने उसको इतना बताया है कि लोगों को पता चल गया ये देश का पहला फ्रॉड शिक्षा मंत्री क्या था। उस 30 पन्नों का जिस्ट इतना ही है, उसने कहा यह बात मैं कह नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसका एजेंडा भारत के अंदर सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश में आज जो शाहीन बाग बन रहे हैं वो उसकी वजह से बन रहे हैं। 30 पन्नों में उसने कहा जिना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग। नेहरू चाहते थे कि पाकिस्तान बने, जिना नहीं चाहते थे। ये बात अगर अपने सामने कह देता तो शिक्षा मंत्री नहीं बन पाता। तो भारत की आने वाली जनरेशनों को जिस तरीके से आज वो एक रास्ते से उतर गई हैं, जिसकी वजह से स्वामी जी से लेके हजारों लोगों को, हम लोगों को रात में जग जग के सही बात बतानी पड़ रही है, वो नहीं पड़ती अगर ये बात न होती तो। ये वो खतरनाक लोग थे जो भारत में रहते हुए ये कहते थे सब कुछ मिल जाएगा, क्यों जा रहे हो, तुम्हारी जितनी हसरतें हैं जितनी ख्वाहिशें हैं यहां रह के पूरी हो जाएंगी। पाकिस्तान बड़े सोच के बना था, जो यहां रह गए थे 1946 में पाकिस्तान बनने के लिए मुस्लिम लीग ने वोट मांगा, 400
475 सीटों में से मुस्लिम लीग को इस देश के मुसलमानों ने 425 सीटें दी। सारे देश का मुसलमान पाकिस्तान चाहता था, लेकिन कितने समझदार लोग थे, पाकिस्तान बनने के बाद यहां से गए नहीं, आपके बॉर्डर पे एक इस्लामिक मुल्क बनवा करके एक आर्मी लगवाने के बाद, एक ईस्टर्न बॉर्डर पे आपके एक पाकिस्तान इस्लाम बनाने के बाद यहां से नहीं गए। इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो भी नहीं पढ़ी।